इंडोनेशिया अर्थ पर सबसे बड़ी आइलैंड चेन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढका और नीले नीले समुद्रों से घिरा ये कई तरह की अनोखी स्पीशीज के लिए पैराडाइज से कम नहीं। पूरी दुनिया के कई इलाकों में अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या हद से ज्यादा बारिश होती है। भारी बारिश वाले इन इलाकों में फंसे इन क्रीचर्स ने प्लैनेट के कुछ सबसे पावरफुल रेन स्टॉर्म्स का फायदा उठाना सीख लिया है। साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद इंडोनेशिया के 17,000 आइलैंड्स इंडियन और पैसिफिक ओशंस के बीच एक लाइन बनाते हैं। टू थर्ड से ज्यादा जमीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढकी हुई है। दुनिया की करीब 15% एनिमल स्पीशीज यहां रहती हैं। और बाकी दुनिया से अलग रहने की वजह से क्रीचर्स बड़े अनोखे तरीके से इवॉल्व हो गए। यहां टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। रात में भी पूरे आर्किपेलागो में टेम्परेचर कभी कभी ही मिड 20 से नीचे जाता है। यहां इक्वेटर पर फ्रेश वाटर और शेड दो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं। हालांकि इंडोनेशिया के ज्यादातर हिस्सों में पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, लेकिन यहां लाइफ सस्टेन करने के लिए इतनी बारिश काफी नहीं है। फॉर्चुनेटली मौसम बदलने वाला है। 6 महीने तक चलने वाली एनुअल मॉनसून की बारिश अब कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। सुलावेसी इंडोनेशिया के आर्किपेलागो के बिल्कुल बीच में है और यह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा आइलैंड है। इस आइलैंड का कोई भी पॉइंट समुद्र से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। दोपहर होने पर इंडोनेशिया के सबसे क्यूरियस एनिमल्स में से एक जंगल की छांव से बाहर निकल आता है। क्रेस्टेड ब्लैक मकैक्स इस आइलैंड के सबसे बड़े प्राइमेट्स हैं और वो ज्यादातर समय जमीन पर अपना खाना ढूंढने में बिताते हैं। पेड़ों पर चढ़ने की बहुत कम जरूरत पड़ने की वजह से बैलेंस बनाए रखने वाली उनकी पूंछ नहीं होती। एक अल्फा मेल के पीछे 20 मकैक्स का झुंड समुद्र के किनारे बहकर आए सीड्स और फ्लावर बर्ड्स को टटोलता है। सूखे का मौसम खत्म होने वाला है और पिछले मॉनसून से मिले फ्रूट्स बहुत कम बचे हैं, इसलिए इन्हें जो भी मिल जाएगा उसे खा लेंगे। साल के इस वक्त हल्की हल्की बारिश से मिला पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। फ्रेश वाटर की कमी होने की वजह से कुछ समुद्र का खारा पानी भी पी लेते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक समुद्र का पानी पीने की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन होने लगेगा। सिक्सटी सेंटीमीटर ऊंचे और 10 किलो से कम वजन होने के बाद भी सुलावेसी ब्लैक मकैक्स को किसी बड़े प्रेडेटर्स का खतरा नहीं होता। फिर भी
इन्हें अपने खतरनाक नेबर पर नजर रखनी पड़ती है। खास तौर से अभी जब खाने की बहुत कमी है। वाटर मॉनिटर्स की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिजर्ड्स हैं। ये कमाल की स्विमर्स होती हैं और ये उन कुछ रेप्टाइल्स में से हैं जो सॉल्ट और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं। ये शैलो वाटर में भी मछली की तरह आराम से तैर लेते हैं। आधा घंटे तक पानी में रह सकते हैं। बस सरफेस पर तैरते हुए वो किनारे पर मौजूद शिकार पर भी नजर रख पाते हैं। वाटर मॉनिटर्स वो सब खा लेते हैं जिसे निगल सकते हैं, यहां तक कि अपने साथियों को भी खा लेते हैं। पूरी आइलैंड चेन पर इन्हीं का राज चलता है और ये अपनी अकड़ वाली चाल से अपने होने का ऐलान करते हैं। अपनी फोक जैसी जीभ से ये स्मेल करते हैं, ये स्मेल ढूंढते हैं। मकैक्स इस शिकारी को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसके तगड़े जॉज और वेप्ड लाइक टेल से दूर रहते हैं। इतने लंबे चौड़े होने पर भी वाटर मॉनिटर्स तेज दौड़ सकते हैं। अपने शिकार को पकड़ते समय ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। आज के खाने में इसे अपनी इन तेज टांगों को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जल्द ही उनकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि किसी और को भी किनारे पर खाने की भनक मिल गई है। वाटर मॉनिटर्स अकेले रहने वाले क्रीचर्स होते हैं। ये टेरिटरी को लेकर झगड़ा नहीं करते और आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। लेकिन जब खाने की कमी होती है तो हर लिजर्ड उस पर अपना हक जताना चाहती है। लगता है इस बार सिर्फ इसका ईगो हर्ट हुआ है। पर इन सबसे दूर एक दूसरा तूफान सामने आने वाला है। मानसून की बारिश ने गर्मी के मौसम के खत्म होने का इशारा कर दिया। ये भारी बारिश अब अगले 6 महीने तक आती जाती रहेगी। बहुत से आइलैंड क्रीचर्स के लिए दावत की शुरुआत हो रही है। इंडोनेशिया में सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोस्टलाइन ही नहीं है, बल्कि यहां पर कुछ शानदार फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं। लेक टोबा, जो सुमात्रा आइलैंड पर है, 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह धरती पर सबसे बड़ी वोल्केनिक लेक है।
2.5 मिलियन ईयर्स पहले इसी जगह पर दुनिया का ग्रेटेस्ट इरप्शन हुआ था। वो इरप्शन आज देखे जाने वाले इरप्शन से 200 गुना ज्यादा भयानक था। उसमें से 3 ट्रिलियन टन्स मैग्मा निकला था, जो मास में 19 मिलियन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के बराबर था। इससे बने ऐश क्लाउड का दुनिया भर के क्लाइमेट पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसने सूरज को ढक दिया, टेम्परेचर्स गिरा दिए और लाइफ की कई फॉर्म्स का सफाया कर दिया। इस रॉक के डिपॉजिट्स ईस्ट अफ्रीका तक पहुंच गए थे, यानी 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। लेक टोबा का सुपर वोल्केनो आखिर खत्म हो गया और पीछे एक बहुत बड़ा क्रेटर और इंडोनेशिया की मॉनसून की बारिश के लिए एक जाइगेंटिक रिजर्वुआ छोड़ गया। इंडोनेशिया की नदियों और झीलों के बहुत बड़े नेटवर्क में फ्रेश वाटर फिश की 1300 से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं। भारी बारिश से आसपास की जमीन से ऑर्गेनिक मैटर बह जाता है, जिसे खाने के लालच में मछलियां सरफेस पर आ जाती हैं। लेकिन पानी में ऊपर आने में बहुत खतरा होता है, खासकर जब आसमान में ईगल जैसी पैनी नजर वाला शिकारी मंडरा रहा हो। एक मीटर से ज्यादा विंग स्पैन वाली ब्राह्मणी काइट्स मीडियम साइज की प्रेडेटरी बर्ड्स हैं। ये कोई भी क्रीचर खा लेती हैं और पूरी आइलैंड चेन पर कॉलोनी बना रखी है। कैरियन, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, ये इंसेक्ट्स को भी नहीं छोड़ती हैं। लेकिन मछली इन्हें खास तौर पर पसंद है। अगर उन्हें पकड़ सके तो। लेक के सरफेस से 50 मीटर ऊपर मंडराते हुए इस ब्राह्मणी काइट को खाना नजर आया। पर मिशन फेल हो गया। वो अपने विंग फेदर्स को गीला करने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि वो भारी होकर उड़ नहीं पाएगी। इसलिए मछली को सरफेस से ही पकड़ना होगा और उसके लिए उसे अपने शार्प क्लॉस से मजबूत पकड़ बनानी होगी। दूसरी बर्ड्स को भी मछलियों का पता चल गया और वो भी अपना लक आजमाने चली आईं। ब्राह्मणी काइट्स मिलजुल कर रहने वाली बर्ड्स होती हैं। 100 से भी ज्यादा ब्राह्मणी काइट्स एक ही जगह पर रहती हैं। इतनी छोटी जगह में इतनी सारी बर्ड्स के शिकार करने के लिए एरियल एक्रोबैटिक्स जरूरी हैं, ताकि बीच हवा में टक्कर ना हो जाए। फाइनली काइट की मेहनत रंग ले आई।
उधर सुलावेसी में क्रेस्टेड ब्लैक मैकैक्स के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। छह महीने तक गर्मी की मार झेलने के बाद अब वो हाल में हुई बारिश से फायदा उठा सकते हैं। पीने का ताजा पानी मिलने के साथ साथ भारी बारिश से फ्रूट की 100 से भी ज्यादा वैरायटीज मिल जाती हैं। अब बीच पर खाना ढूंढने की जरूरत नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। खाना इतना ज्यादा है कि झुंड अपनी पसंद का खाना भी चुन सकता है। कम पके फ्रूट्स फौरन फेंक दिए जाते हैं, लेकिन एक मंकी का फेंका गया फ्रूट दूसरे के काम आ जाता है। मैंगोस, फिग्स और ब्रेड फ्रूट से जरूरी कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन भी मिलते हैं। फ्रूट शुगर्स और फाइबर की भरमार होने के बाद भी मकैक्स की न्यूट्रिशनल जरूरतें पूरी करने के लिए ये काफी नहीं है। फॉर्चुनेटली रॉटिंग लॉक्स बरोइंग इंसेक्ट्स के लिए एक परफेक्ट जगह है। और टर्माइट लार्वे प्रोटीन से भरपूर होते हैं। साल के इस समय झुंड के बड़े मेंबर्स के बीच झगड़े बहुत कम होते हैं। पेट भरा होने से शांति बनी रहती है। पर यह झुंड अकेला नहीं है। बर्ड्स मकैक्स का पीछा करती हैं जब वो सीड्स फेंकते और इंसेक्ट्स को डिस्टर्ब करते हुए बढ़ते हैं। और जहां बर्ड्स हैं वहां यूजुअली घोंसले होते हैं। अपने लंबे चौड़े शरीर के बावजूद वाटर मॉनिटर्स कमाल के क्लाइंबर्स होते हैं और ये अपने फेवरेट खाने की तलाश में हैं, यानी कि एग्स। 3 सेंटीमीटर लंबे तेज नाखून पेड़ पर आसानी से चढ़ते हुए क्लाइंबिंग स्पाइक्स का काम करते हैं, लेकिन ये पंजे बड़ी जल्दी डेडली वेपन्स बन सकते हैं अगर कोई बेबी मकैक अकेला मिल जाए। अब इस शिकारी की नजर दूसरे शिकार पर है। घबराया हुआ झुंड उस बेचारे बेबी मकैक को देखता रहता है, पर वो कुछ कर नहीं सकते। बेबी मकैक पतली डालियों से होते हुए दूर जाने लगता है जो सिर्फ उसका वजन संभाल सकती हैं। भारी लिजर्ड जानती है कि वो उसका पीछा नहीं कर सकती, इसलिए अपना मिशन कैंसिल कर देती है। लेकिन उसके लिए नीचे उतरना उतना आसान नहीं होता, खासकर जब नीचे कोई ओपोनेंट वेट कर रहा हो। फॉर्चुनेटली बेबी मकैक को अपने झुंड के पास जाने के लिए बस इसी मौके की जरूरत थी। मकैक्स का झुंड और किसी शांत जगह की तलाश में आगे बढ़ जाता है। फिलहाल तो यही प्लान है। सुलावेसी से वेस्ट में करीब 100 किलोमीटर दूर
इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लगभग 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और सुलावेसी से चार गुना बड़ा है। ये रेन फॉरेस्ट्स 140 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ये दुनिया के कुछ सबसे पुराने रेन फॉरेस्ट्स में से एक हैं। बोर्नियो कई रेयर स्पीशीज का घर था जो बड़े अनोखे तरीके से इवॉल्व हो गई, जिनमें इसका सबसे मशहूर रेजिडेंट भी है। इंडोनेशिया में और दूसरे कई प्राइमेट्स की तरह ओरंगुटांस भी मानसून की बारिश से आई फ्रूट की भरमार का फायदा उठाते हैं। इंडोनेशिया का क्लाइमेट उसकी अनोखी ज्योग्राफी के हिसाब से चलता है। ना सिर्फ ये आइलैंड चेन अर्थ पर वार्म वाटर के सबसे बड़े रिजर्वोयर के बीच है, जहां पैसिफिक और इंडियन ओशंस मिलते हैं, बल्कि ये दो मेजर लैंड मैसेस के बीच भी है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। पूरे साल ये कॉन्टिनेंट्स गर्म होते रहते हैं और बारी बारी आसपास के ओशन से हवा खींचते रहते हैं। यही वो ऑसिलेशन है जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से 6 महीने तक गर्म हवाएं लाता है और उसके बाद मॉइस्ट एशियन एंड पैसिफिक एयर मासेस से भारी बारिश लाता है। जब मॉनसून की बारिश इंसेक्ट की आबादी बढ़ा देती है तो रात को निकलने वाले कुछ शिकारी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। स्पेक्ट्रल टार्सियर्स दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट्स में से एक हैं। उनके शरीर की लंबाई 14 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ती। वो इतने छोटे होते हैं कि इंसानों के हाथ में आ सकते हैं। रात के इन शिकारियों की बड़ी बड़ी आंखें इनकी सबसे बड़ी खूबी हैं, जो इनके दिमाग और पेट दोनों से बड़ी होती हैं। प्रोपोर्शनेटली इनकी आंखें किसी भी मैमल से बड़ी हैं। बैट जैसे कान जो हल्की सी सरसराहट भी सुन सकते हैं, टार्सियर को छुपे हुए शिकार के बारे में अलर्ट कर देते हैं। भोला भाला और मासूम चेहरा होने के बाद भी टार्सियर्स का एक खतरनाक पहलू भी है। अपनी लंबी लंबी पिछली टांगों से वो ब्रांचेस के बीच 5 मीटर तक की छलांग लगा लेते हैं। पैडेड फिंगर टिप्स और पंजे लैंड करते वक्त ग्लू जैसी मजबूत पकड़ देते हैं। एक ग्रुप में 8 मेंबर होने से खाने के लिए कंपटीशन तगड़ा हो सकता है। और टार्सियस सोसाइटी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड का मामला है। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। आइलैंड कोस्ट्स के साथ साथ
30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला ये दुनिया के सारे मैंग्रोव इकोसिस्टम्स में से पांचवा है। कुछ क्रीचर्स न्यूट्रिएंट से भरे इस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का फायदा उठाना सीख गए हैं। मड स्किपर्स पानी और जमीन दोनों पर आराम से रहते हैं। एम्फीबियंस की तरह ये खुली हवा में अपनी स्किन से सांस ले सकते हैं, लेकिन मड स्किपर्स को गिल चेम्बर में पानी भर के रखना पड़ता है ताकि वो सूख ना जाए। इस तरह वो 3.5 दिन तक जमीन पर सरवाइव कर सकते हैं। लो टाइड होने पर खाने को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है। ये मड स्किपर सैंड में अपना खाना ढूंढता है और माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स छांट लेता है। इंसेक्ट्स, वर्म्स और छोटे इन क्रस्टेशियंस भी ये खा लेते हैं। खाने के हक के लिए लड़ाई होना आम बात है। यूजुअली टेरिटरी पर अपना क्लेम जताने के लिए फिन दिखाना काफी होता है। लेकिन कभी कभी मुंह भी खोलना पड़ता है। मड स्किपर्स अकेले ऐसे एम्फीबियस रेजिडेंट नहीं है जो लो टाइड होने पर निकलते हैं। फिडलर क्रैब्स का नाम उस वायलिन बजाने के एक्शन से पड़ा जिसे वो खाना खाते हुए करते हैं। रेत में खाना ढूंढते हुए बहुत कम काम आने के बाद भी मेल के जरूरत से ज्यादा बड़े पंजे पोटेंशियल मेट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लैग का काम करते हैं। जो ज्यादा तेज फ्लैग लहराते हैं वो बाजी मार लेते हैं। ये मोटे मोटे लेम्स लड़ाई में भी काम आते हैं। जबरदस्त ताकत से टेरिटरी को लेकर झगड़े निपटाए जाते हैं। फीमेल्स कहीं ज्यादा बैलेंस्ड होती हैं। वो सैंड में डबल स्पीड से खाना ढूंढ लेती हैं और साथ साथ फिल्टर किए गए फ्रेश पैलेट्स उगल देती हैं। फिडलर क्रैब्स और मड स्किपर्स को एक दूसरे से ज्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन मैंग्रोव में रहने वाले एक जानवर से उन्हें बचकर रहना पड़ता है। लॉन्ग टेल मकैक्स करीब 50 सेंटीमीटर ऊंचे और 7 किलो वजनी होते हैं। 60 इंडिविजुअल्स तक के बड़े झुंड में रहते हुए ये मेनली फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन लो टाइड होने पर ये उस खाने को तलाशते हैं जिससे उनका कॉमन नेम पड़ा है। क्रैब ईटिंग मकैक्स भी कहे जाने वाले ये मैंग्रोव की कीचड़ में शेल से ढके हुए अपने शिकार को ढूंढते हैं। ये फीमेल अपने विक्टिम को बहुत संभाल कर पकड़ती है। अपने एक्सपीरियंस से उसे पता है कि क्रैब के पिंसर्स तगड़ा झटका दे सकते हैं। क्रैब का मीट
प्रोटीन और विटामिन से भरा हुआ होता है और फ्रूट्स खाने के बजाय नया टेस्ट अच्छा लगता है। मकैक्स अपना खाना शेयर नहीं करते और इस यंगस्टर को लगता है कि अब वो अपने खाने का इंतजाम खुद कर सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। क्रैप के बजाय वो सेफ खाने से काम चला लेता है। थोड़ा सा धोते ही आसानी से मिलने वाला सीट खाने के लिए तैयार है। लॉन्ग टेल मकैक्स ने लगभग किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को अडैप्ट करना और सरवाइव करना सीख लिया है। ये अपनी ब्रीडिंग का भी वक्त तय करके मॉनसून के दौरान बच्चों को जन्म देते हैं। इसलिए हैरानी की बात नहीं कि इंसानों के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाले प्राइमेट मकैक्स हैं। भरपूर फ्रेश फ्रूट होने के साथ साथ रेन फॉरेस्ट फ्लोर के कुछ हिस्से वाटर पार्क में बदल गए हैं। जहां ग्रुप के एडल्ट्स अपनी प्यास बुझाते हैं, वहीं यंगस्टर्स खेलने कूदने में लग जाते हैं। यंग मकैक्स के लिए इस तरह खेलना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ इससे सोशल स्किल्स डेवलप होने में मदद मिलती है, बल्कि बड़े होने पर असली शिकारियों से निपटने के लिए भी अहम ट्रेनिंग है। आइलैंड के रेप्टाइल्स भी अपने पानी वाले नए घर में खुश लग रहे हैं, क्योंकि फिशिंग करना कभी इतना आसान नहीं था। दिन ढलने के साथ ही वक्त हो गया इंडोनेशिया के एक सबसे शानदार डिस्प्ले के शुरू होने का। ये टिमटिमाती फ्लैशिंग लाइट्स एक तरह से प्यार का मैसेज है। जो मानसून के आने से शुरू हो जाती हैं। हजारों मेल फायरफ्लाइज फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने फ्लैशेस को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं। एक साथ कोशिश करने से उनके नोटिस में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फायरफ्लाइज असल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर लंबे बीटल्स होते हैं। लाइट उनके पेट में प्रोड्यूस होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन एक केमिकल के साथ मिक्स होती है, जिसे लूसीफेरिन कहते हैं। ये बायोल्यूमिनेसेंस करीब 100% एफिशिएंट होता है। ये लाइट जरा भी गर्मी पैदा नहीं करती, जिससे बहुत कम एनर्जी खर्च होती है। फीमेल्स अपने खुद के इल्यूमिनेटेड मैसेज से जवाब देती हैं और फिर शुरू होता है असली फायरवर्क्स।
इंडोनेशिया में अलग अलग तरह के इलाके हैं और नेचुरल वर्ल्ड में ये कई जानवरों के लिए जन्नत है। फिर भी क्रीचर्स को ट्रॉपिकल हीट में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी पानी की कमी होती है, तो कभी खाने की। लेकिन ज्यादातर क्रीचर्स मुश्किल वक्त में खुद को अडेप्ट कर लेते हैं और फिर मानसून उनकी साल भर की जरूरत पूरी कर देता है।